जीवन में दुख आ रहा है, कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्याएं बढ़ रही, तकलीफ में हो, जानते हो क्यों? ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद निवारण आपके पास होगा और आप जान जाएंगे कि आप दुखी क्यों हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक दादाजी थे, उनका एक पोता था। दादाजी अपने पोते को बहुत सारी कहानियां सुनाते थे, उसके साथ खेलते थे, बहुत सारी बातें करते थे। पोता अभी 6-7 साल का था, बहुत सारी बातें वो स्कूल से भी सीख करके आता था। तो एक दिन दादाजी से उसने पूछा कि दादाजी मुझे ये बताइए कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, कामयाबी कैसे मिलती है। तो दादाजी जो हैं हमेशा उसे कहानियां सुनाते थे, कहानियां सुना करके उसके सवालों का जवाब देते थे। आज दादाजी ने उसे कहा कि चलो बेटा नर्सरी चलते हैं। अब दादा और पोता दोनों नर्सरी गए, नर्सरी जाकर के एक जैसे दो पौधे खरीदे, दोनों पौधे लेकर के घर आए और एक पौधे को घर के आंगन में लगा दिया और एक पौधे को घर के बाहर थोड़ा सा दूर। तो दादाजी ने पोते से पूछा कि अब ये बताओ कि हम दोनों पौधे एक जैसे लेकर आए हैं, एक हमने घर के अंदर लगा दिया है, एक घर से थोड़ा सा दूर लगा दिया है, बाहर लगा दिया है, तो दोनों पौधों में फर्क क्या है, क्या होगा इनका भविष्य? तो पोते ने कहा कि दादाजी जो पौधा हमने अपने घर में लगाया है वो पौधा तो आपकी देखरेख में पले बढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पूरी ऊर्जा उसको मिलेगी, धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो पौधा घर से बाहर लगाया है, थोड़ा दूर लगाया है, उसका तो कोई भरोसा नहीं, वो पल पाएगा कि नहीं, बढ़ पाएगा कि नहीं, वो बड़ा होगा कि नहीं, पेड़ बनेगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है बेटा, इस बात को बस याद रखना। समय बीतने लगा, पोता 7 साल से 17 साल का हो गया। जब 17 साल का हो गया तो दादाजी के पास आया, पिछले 10 साल से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, अब 17 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है। दादाजी के पास आया, दादाजी फिर से कहानी सुना रहे थे। दादाजी को उसने कहा कि दादाजी आपने कहा था मुझे एक बात याद रखना, उस पौधे के बारे में जो हम साथ लेकर आए थे और मैंने आपसे पूछा था कि कामयाबी पाने का तरीका क्या है, कामयाबी कैसे मिलती है। तो दादाजी ने कहा हां बेटा मुझे याद है, आओ चलो पहले उस पौधे को देखते हैं जो हमने घर में लगाया था। अब वो घर के पीछे की साइड गए, बैकयार्ड में पीछे जाकर के देखा, वो पौधा जो 10 साल पहले लगाया था बड़ा हो गया, हरी हरी पत्तियां हैं उस पर, जितना कद इस पोते का बड़ा था इस पोते से भी बड़ा हो गया है। तो पोते ने कहा दादाजी ये तो बड़ा हरा भरा हो गया है, मुझसे भी बड़ा हो गया है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा एक पौधा और लगाया था हमने। तो पोते ने कहा हां दादाजी वो घर से थोड़ा सा दूर लगाया था। तो दादाजी ने कहा कि आओ चलकर उसे भी देखते हैं, और दादा और पोता गए उस पौधे को देखने। उस पौधे की जगह एक विशाल पेड़ था जिसकी छाओं में लोग बैठे हुए थे, जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे, बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ लहला रहा था, हरी भरी पत्तियां थी। दादाजी ने कहा कि यह वही पौधा है जो तुमने अपने हाथों से लगाया था, और वो भी वही पौधा था जिसे तुमने अपने हाथों से लगाया था, लेकिन आज इस वृक्ष के नीचे लोग बैठे हैं, इसकी छाव के नीचे पक्षी इसकी शाखाओं पर बैठे चहचहा रहे हैं, ये अपने संपूर्ण रूप में है,
इसकी शाखाएं बढ़ रही हैं, मजबूत तना है इसका। देखो कितना भारी वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष। तो पोते ने कहा हां दादाजी। तो दादाजी ने कहा कि यह कामयाबी है। और यह कामयाबी मिली कैसे? जब यह पौधा खुद लड़ा तेज हवाओं से, आंधियों से, तूफानों से, बिना जल के मिट्टी में अपनी पकड़ बनाई ताकि इसको कोई गिरा ना दे। जब यह छोटा था तो कितनी तकलीफ सहन की होगी, कोई जानवर आकर के इसके पत्ते खा जाता होगा, कोई आकर के इसके पत्ते तोड़ देता होगा, कभी जल मिला कभी नहीं मिला, पूरा साल वर्षा का इंतजार किया, अपनी पकड़ मजबूत रखी, आंधी तूफान में खड़ा रहा, कठिनाइयों का सामना किया, आज इसलिए वृक्ष बन गया। ऐसा वृक्ष जो दूसरों को छाव दे रहा है। और वो पौधा जो हमारे बैकयार्ड में, उसको बड़े लाड़ प्यार से रखा गया, समय समय पर उसकी कटिंग हुई, खाद दी गई, पानी दिया गया, धूप उसे मिलती थी, उसको देखरेख में रखा गया, सुरक्षा में रखा गया। वो इतना मजबूत नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपने जीवन में कठिनाइयां नहीं देखी, परेशानियां नहीं देखी। और बेटा जिसे परेशानी मिलती है ना, वही हर चीज में सक्षम हो पाता है, क्योंकि परेशानी उसी को मिलती है जिसे कामयाब होना होता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो निश्चित तौर पर आपका समय अच्छा आने वाला है, निश्चित तौर पर आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में भरपूर सुख आएगा। आप इतने मजबूत बन जाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे ताकि दूसरों के दुख और समस्या को दूर कर पाए। फिर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई भी दुखी नहीं रहेगा क्योंकि आप इतने सक्षम हो जाएंगे। यदि आपके पास तकलीफ है, दुख है, तो जान लो ईश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए चुना है। ईश्वर चाहते हैं कि आप कामयाबी पाएं, ईश्वर चाहते हैं कि आप सुखी रहें, खुश रहें। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन काल में कभी सुख नहीं देखा था, जंगलों में भटकता रहा था अर्जुन, और दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन काल में सुख देखा था, महलों में पला बढ़ा था दुर्योधन। लेकिन जब महाभारत हुई तो कौन जीता? क्योंकि अर्जुन हर समस्या को झेलने की क्षमता रखता था, हर दुख का सामना करने की क्षमता रखता था, हृदय से मजबूत था, ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास था, संपूर्ण समर्पण था। जब आप कठिनाइयों में आते हैं, दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो आप ईश्वर के सामने समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि दुख कभी अकेला नहीं आता है। दुख जब भी आता है ईश्वर को साथ लेकर आता है। उस समय सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, क्योंकि दुख और ईश्वर एक साथ आते हैं। यदि आप दुख को ज्यादा देखेंगे, दुख को ज्यादा महसूस करेंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। और यदि आप ईश्वर को ज्यादा देखेंगे, ईश्वर को ज्यादा महसूस करेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, उनको समर्पण देंगे, तो दुख आपसे कोसों दूर चला जाएगा, लौट कर कभी नहीं आएगा। तो यदि आप कठिनाई में हैं, दुख में हैं, तो जान लें कि ईश्वर भी इस समय आपके साथ है। अब आपको किसे चुनना है, दुख को या ईश्वर को? यदि ईश्वर को चुन लेंगे तो पल प्रतिपल जीवन में चमत्कार होंगे। आपने कितने भी बुरे कर्म किए हो, कैसे भी प्रारब्ध हो, यदि आपने ईश्वर को समर्पण दे दिया तो आपके प्रारब्ध काटने में ईश्वर आपके संग खड़े हो। लेकिन इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए,
अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।